हरि ओम नमो नारायण। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं पूजा साहू, एक हाउस वाइफ। आज पता नहीं क्यों मन किया आज एक यूट्यूब चैनल खोला जाए, मैंने खोला और आपसे कुछ बातें शेयर करूं, आपका कुछ सुनो। हाउस वाइफ हूँ, दो बच्चे हैं, हस्बैंड अभी तो फ़िलहाल कोरोना के वजह से घर पे ही काम कर रहे हैं। और अभी क्या है ना, कोरोना ने सबका मन पूरा उदास करके रखा है, उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। ऐसे में मैं आपको एक भगवान का ही एक स्टोरी आपको बोलती हूँ, भगवान का नहीं है, जो मेरे साथ बीता है वो मैं आपको बोल रही हूँ। कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरे जो छोटा वाला बेटा है उसको बुखार हो रहा तो होंठ उसका सूख रहा था। और एक बेटा, मैं टीवी बंद कर देती हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी, हाँ तो उनको फीवर था, फीवर होते एक मिनट, साउंड ज़्यादा ही है ना। फीवर उस समय बहुत डेंगू चल रहा था, मेरी वीक दो फ्रेंड्स के बच्चों को भी हुआ था। तो हमने क्या तो उसको फीवर आया था, तो मैं सोची नॉर्मल, हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे ना उन्होंने हमें बताया था कि अगर मान लो फीवर मतलब पूरा फैमिली जैसा हो गया था, वो डॉक्टर ने बोला कि अगर एक मेडिसिन दिया था, अगर फीवर रहे बच्चों को, मतलब अचानक फीवर होता है तो ये मेडिसिन दो, अगर तीन दिन से भी ज़्यादा हो तो मेडिकल, अगर ज़्यादा कुछ हो तो मैं वो चीज़ अप्लाई करता, अगर मेरे बच्चों को तो एक दो दिन में वो ख़त्म, मतलब फीवर ख़त्म हो जाता था। तो उस दिन क्या हुआ, फीवर के साथ उसको होंठ सूख रहे थे और छोटे छोटे दाने ऐसे बॉडी पे आ रहे थे, शरीर पे। तो हम लोग उतना, मैं डेंगू के बारे में मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं था। तो क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड ने देख के बोला कि पता नहीं, मेरी एक उसकी एक फ्रेंड है, उसके बच्चे को भी डेंगू हुआ था, जब उसने देखा उसके बॉडी में भी सेम था, और मुझे पूजा और ऐसा लग रहा है, मेरा नाम पूजा है, मैंने शायद पहले बोला होगा ना, तो वो एक बार जाके डॉक्टर्स को दिखाओ। उस समय हमारे फैमिली डॉक्टर US गए हुए थे। तो फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर को पूछे, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कहाँ है क्या वो तो नहीं बोलूँगा मैं, पर उन्होंने जब वो देखा बोला कि नहीं, उनको नॉर्मल फीवर है, वो फीवर है। मैं बोली कि मेरी फ्रेंड बोल रही थी डेंगू है, बोले कि नहीं डेंगू तो नहीं है, अगर आपको डाउट है तो आप चेक करा सकते हो, वैसे बोल के आपको टेस्ट करा सकते हो बोल के। तो मैं सोची कि डॉक्टर ने तो बोला डेंगू है नहीं, और वो दिन आया घर में उसे मैं लेके आई, और टेस्ट मैंने नहीं कराया, घर में ले आके मैं उसको क्या किया पता नहीं, मेरे को उस समय डेंगू बहुत फैल रहा था, तो पपीता का जो पत्ता है ना उसका मैंने जूस बना के उसको पिलाया था। तो दूसरे दिन उसका पूरा कम हो गया, फीवर भी कम हो गया था। तो मैं उतना, मैं सोचू मेरा बच्चा ठीक हो गया, पर मैंने स्कूल नहीं भेजा उसे। फिर मेरी वही फ्रेंड की बेटी को डेंगू हुआ, तो हम लोग हॉस्पिटल में देखने गए थे। तो जब मैंने हॉस्पिटल, उसको उतना ज़्यादा हुआ कि उसको ICU में एडमिट करना पड़ा। तो फिर मैं जब गई ना वहाँ पे, मैंने उसके बॉडी में देखा तो पूरा बॉडी में वो क्या बोलते हैं, जो मेरे बेटे को हुआ था ना, सेम वैसे ही है। और ऐसा सिचुएशन में तभी रखा जाता है, डॉक्टर ने बोला, जब बच्चे को मतलब किसी को बहुत ज़्यादा हो तभी ICU में रखा जाता है। साउंड आ रहा है बाहर से, तो मैं इतनी, मुझे कैसा लगा सोचो, बोली क्या मेरे बच्चे को भी डेंगू हुआ था, मैं पूरा शो। अगर मेरे फैमिली डॉक्टर होते तो शायद वो सही क्या है पता नहीं, फिर
मैं घर पे आई, मेरे हस्बैंड उस समय घर पे थे, मतलब मैं गई थी मेरी फ्रेंड के साथ ही मेरी फ्रेंड के बेटी को देखने के। मैं उनको सारा सिचुएशन बोला और जाके मैं भगवान पर बहुत भरोसा करती हूँ। अभी भी जो डेंगू के अब सॉरी कोरोना का टाइम चल रहा है, मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हुआ, तो बहुत सारा चीज़ें हमारे लाइफ में उथल पुथल हो रहे हैं, पर मैं उनको बहुत विश्वास करती हूँ। तो वही एक है जो मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैं ये नहीं बोलती कि आप भगवान के पास बैठ जाओ तो बीमारी सब ठीक हो जाएगा, तो हमने अनजाने में हमको नहीं पता था, मगर उन्होंने भगवान ने हमें वो ऐसा कुछ बिगाड़ा नहीं। मतलब वो अगर मैं जानबूझ के हाँ इसको डेंगू फिर भी मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जाती तो अलग, मैं हम लोग को पता भी नहीं था, मगर वो सिचुएशन में जब डॉक्टर ने बोला कि आईसीयू में रखा जाता है, उस सिचुएशन में भी मेरा बच्चे को कुछ नहीं हुआ और भगवान ने हमें पार लगाया। ऐसा बहुत सारा घटना है जो विश्वास, अब भले ही आप कितने भी बुरे बुरे से सिचुएशन में हो, ऐसा नहीं कि चमत्कार आपके साथ हो जाएगा, पर विश्वास रखिए उन पर। बहुत सारा घटना है आपको मैं बताऊंगी एक एक करके, पता नहीं आज मुझे बहुत मन किया तो मैं शुरू की भगवान का नाम लेके। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं सुन लीजिए। आप अपना विश्वास रखिए भगवान के ऊपर, किसी कोई भी चीज़ के ऊपर विश्वास रखिए, सब चीज़ अच्छा होगा। और अच्छा करें, देखो फील बहुत अच्छा लगता है। किसी के बारे में बुरा मत सोचे, हम इंसान हैं, आ जाता है, मेरा भी आ जाता है, पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है उसको मैं कभी कभी सोचती हूँ, बहुत वीडियो बहुत लंबा आ जाएगा, बाद में फिर बताऊँगी कभी, ठीक है? चलो बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वर्जी तो नहीं बोलते हैं।